दोस्तों नमस्कार, आईटीआई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार हम फिर आए हैं। ये वैकेंसी NFL नेशनल फर्टिलाइज लिमिटेड की वैकेंसी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। इसमें ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। दोस्तों नॉन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। इसमें डिग्री वाले, डिप्लोमा, आईटीआई स्टूडेंट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या क्राइटेरिया रखी गई है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, इसी में हम बात करेंगे। सिलेबस क्या रखा गया। दोस्तों यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कौन सी वैकेंसी कितने पोस्ट के लिए आई हुई है। दोस्तों ये क्वालिफिकेशन आप देख लेते हैं अपन लोग अभी। दोस्तों जो फर्स्ट वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, असिस्टेंट ग्रेड 2 की, जो प्रोडक्शन की वैकेंसी है, उसमें 18 से 30 साल तक मैक्सिमम एज माना गया है। जो क्वालिफिकेशन रहेगी दोस्तों, उसमें BSc मांगा गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कोई भी सब्जेक्ट से आप पास हो, मैक्सिमम पासिंग मार्क आपका 50% होना अनिवार्य है। ST SC OBC कैंडिडेट जो होंगे 45% तक अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। नेक्स्ट पोस्ट जो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी है, स्टूडेंट की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें जो मैक्सिमम एज जो मांगा गया है 18 से 30 साल ही मांगा गया है। यदि आप कोई कैटेगरी के आते हैं जैसे ST SC OBC, उसमें आपको 2 से 3 साल तक की छूट भी मिल सकती है। दोस्तों इसमें 3 ईयर डिप्लोमा आपको होना अनिवार्य है, इंस्ट्रूमेंट्स या इंस्ट्रूमेंशन से, या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से, कंट्रोल से, ये सारी कोई भी एक ब्रांच से आपका डिप्लोमा होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। इसमें 18 से 30 साल वही एज मैक्सिमम माना मांगा गया है। आपका रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा अनिवार्य होना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल से होना हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। मैक्सिमम इसमें भी 50% क्वालिफिकेशन से आप पास आउट हुए हो। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है अटेंडेंट ग्रेड 1 की इलेक्ट्रिकल के। दोस्तों ये वैकेंसी जो है ITI स्टूडेंट वालों की है। इसमें जो एज मांगा गया है मैक्सिमम 18 से 30 साल के लिए है, ये जो 18 से 30 साल तक के लिए है। इसमें आपको 10th पास होना है, रेगुलर आपकी ITI कंप्लीट होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। मैक्सिमम आप इसमें 50% 10th और ITI में होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप OBC, EWS कोई भी कैटेगरी पे आते हैं, ST SC में आते हैं, PW में आते हैं, तो आपका 45% मार्क्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है अटेंडेंट ग्रेड 1 की मैकेनिकल यानी फिटर वालों की। इसमें भी एज जो है मैक्सिमम 18 से 30 साल तक की है। इसमें आपको 10th + ITI होना अनिवार्य है, मैक्सिमम 50% मार्क्स पर। यदि आप कोई भी कैटेगरी इसमें भी आते हैं जैसे ST SC OBC, PWD, EWS, तो आप 45% पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी जो है लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है। इसमें भी मैक्सिमम एज जो मांगा गया 18 से 30 साल ही है। इसमें मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होना चाहिए और ITI इन मशीन डीजल से आपका ट्रेड होना अनिवार्य है इसके लिए। फिर आता है लास्ट वैकेंसी जो है लोको अटेंडेंट में भी है, फुल टाइम या डिप्लोमा इसमें है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। मैक्सिमम आप 50% स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो, जिसका 50% 10th में या डिप्लोमा में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया से है, आप कोई भी सभी अप्लाई कर सकते हो ऑल इंडिया से। दोस्तों चलते हैं देखते हैं कौन सी पोस्ट में कितने वैकेंसी है। दोस्तों चलिए अभी देखते हैं कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। दोस्तों जो हमारे पानीपत की जो वैकेंसी है यूनिट में, ये पानीपत
ये पानीपत की यूनिट में जो वैकेंसी जूनियर इंजीनियर वालों की है उसमें 40 पोस्ट है टोटल। फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 की है जो उसमें 3 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड इलेक्ट्रिकल वालों की जो है उसमें 5 पोस्ट है। ये पानीपत यूनिट की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अभी। फिर इसके बाद अटेंडेंट ग्रेड थर्ड की फर्स्ट की जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल वालों जो आईटीआई स्टूडेंट हैं पानीपत में उसमें उनकी 9 पोस्ट है। और फिटर वालों की उन्हीं में नहीं फिटर की नहीं है लोको अटेंडेंट ग्रेड थर्ड की 5 पोस्ट है। दोनों दोस्तों ये पानीपत की यूनिट की वैकेंसी के बारे में अभी बात किया हूँ। नेक्स्ट चलते हैं कौन सी यूनिट आती है भटिंडा यूनिट। ये जो भटिंडा यूनिट है उसमें जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी उसमें 6 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वालों की एक पोस्ट है। लोको अटेंडेंट की एक पोस्ट है। लोको अटेंडेंट ग्रेड थर्ड की 6 पोस्ट है। फिर अटेंडेंट ग्रेड थर्ड मैकेनिकल यानी फिटर वालों की 3 पोस्ट है। और जो हमारे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट के हैं उनके लिए इसमें 6 पोस्ट है यानी 6 पोस्ट है। जो आपको पे स्केल रहेगा 21,500 से लेकर 52,000 रुपये तक आपको पे स्केल इसमें मिलेगा। फिर विजयपुरा यूनिट के जो इंजीनियर वाले स्टूडेंट के उसमें 21 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर की 6 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर की एक पोस्ट है इलेक्ट्रिकल वालों की। दोस्तों कुछ इस तरह के दिया गया है। अपनी जो अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल वालों की इसमें 4 पोस्ट है आईटीआई स्टूडेंट वालों की। दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें कितना पेमेंट पैसा करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। दोस्तों इसमें जो फॉर्म भरते समय 200 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा, फीस जमा होगी। और जो अप्लाई करने की इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों 21 अक्टूबर से लेकर आप 10 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं 5 बजे तक। तो आप लोग भी अप्लाई करिए बिल्कुल। जो आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है तो आईटीआई स्टूडेंट हो या कोई भी हो उनमें सभी की लिस्ट दी गई है। जैसे डेटा ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपका लगेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस पोस्ट के लिए मांगा गया है उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगी। यदि आप एसटीएससी ओबीसी के आते हैं आपका कास्टर सर्टिफिकेट लगेगी। यदि आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा के रखे हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस भी मिलेगी। जनरल वाले स्टूडेंट बनवाते हैं डिफरेंटली। आप पीडब्ल्यूडी या कैंडिडेट आते हैं वो भी आप लेंगे। यदि आप एक्स सर्विस मैन है वो सर्टिफिकेट लगा देना। आइडेंटिटी प्रूफ आप लगा देना, फोटो लगा देना, सिग्नेचर लगा देना। दोस्तों ये आपको पीडीएफ में 200 KB तक के अपलोड करना है फॉर्म भरते समय। तो इस तरह के कुछ फॉर्म भरने की प्रक्रिया है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। आप सभी लोग बिल्कुल अप्लाई करो इस वैकेंसी के लिए। धन्यवाद।